सो माय फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो हमने 14 गैलन की अभी बना के लाई है वहाँ से, और ये कैसे वर्क करती है आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा कि ये काम करता है कैसा है। 14 गैलन की एकदम टॉप बनाई, और ये दूसरा जो है गाइस यहाँ पर ये कूलर का काम करेगा, इसका भी मैं काम आप लोगों को बहुत बताऊँ, बहुत अमेजिंग काम करेगा ये भी। अगर मैं वैसे परचेस करके लाता तो मेरे को बहुत महंगे पड़ते हैं, मैंने खुद बनवा के लाया गाइस इसको। अभी हम सॉकर खोल के दिखाते हैं आप लोग 14 गैलन की से, ठीक है, जो कि आप लोग देख सकते हो। ये देखो खोल दिया हमने इसको, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 14 गैलन की बिल्कुल सक्सेस हो चुकी है गाइस हमारी, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सो माय फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो डिस्क ब्रेक का डिस्क पैड है, इसको अपने को अंदर करना होता है ये पिस्टन को। तो इसको करने के लिए अपने को क्या है, वो कुछ लोग जो भी है प्लायर का यूज़ करते हो कैसे भी, बट अपन ने इसका पूलर बनाया है। इसको नट को जैसे जैसे हम कसेंगे वो ये इसके अंदर पिस्टन अंदर चले जाएंगे, फिर हम नए डिस्क पैड्स इसके अंदर आराम से बिठा सकेंगे, जो कि आप लोग देख सकते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो माय फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो रिजल्ट पूरा सही तरीके से इसने अंदर कर दिया इसको, क्योंकि अब हम जब नए पैड्स डालते हैं तो उसकी थिकनेस ज़्यादा आती है, इसलिए इसको पिस्टन्स को हमारे को अंदर करना होता है, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा गौरव मॉडिफिकेशन पे ही। ऐसी चीज़ें गौरव मॉडिफिकेशन पे मिलेगी आप लोगों को देखने को, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो मेरे को फटाफट। सो माय फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो इस डिस्क पैड को भी मैंने अंदर कर दिया है, देखो पूरी तरह से। इसको मैं कूलर से किया है मैंने, इसको जो मैंने अभी बना के लाया है, ये कूलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे को, तो बहुत काम में आया है कूलर, ठीक है, पैसा वसूल हो गया इसका तो मेरा। सो माय फ्रेंड्स, इसके हम ऊपर के टॉप नट खोल लेते हैं अच्छे से, जो कि हमने लूज़ कर लिए थे, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, सो माय फ्रेंड्स, इस ऑयल के अंदर हम, कल मैंने गाड़ियों का काम किया था तो ऑयल निकला था काफ़ी सारा, अब इसमें भी हम ये शॉकअप ऑयल पूरी तरह से निकाल देते हैं, ऐसा उल्टा रख देते हैं इसको, पूरा शॉकअप ऑयल निकल जाएगा इसमें, ठीक है, इस तरह से रख देते हैं अपन इसको उल्टा, जब तक ये निकलता है तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं गाइस, उसका बहुत सारा काम करना है अभी मेरे को। सो माय फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो ये जो है चेन का, इसके ऊपर जो मार्क्स है, इन मार्क्सों को हमारे को इधर रखना होता है, क्योंकि हमारे को इधर से दिखते हैं वो मार्क्स, ठीक है, इस हिसाब से हमारे को इधर डालना होता है, उधर का हमने डाल दिया है प्रॉपरली, जो कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, एकदम राइट। सो माय फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो अभी हम शॉकर में ऑयल डालने वाले हैं, और शॉकअप में ऑयल डालने का देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये बॉटल जो है ये पूरी डाल दो इसके अंदर, 175 ml बैठता है गाइस इसके शॉकअप के अंदर मेजरमेंट के अनुसार, और हमारे को बराबर मेजरमेंट करना होता है इसके ऊपर, देखो 175 ml ही चाहिए, जो कि आप लोग देख सकते हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यह मेरे को वैसे तो याद था, लेकिन मैं फिर भी क्या करता हूँ, गूगल पे जाके चेक करता हूँ, वहाँ जाके चेक कर लेना चाहिए, उसका तुमको बराबर मेजरमेंट मिलेगा, ठीक है, जो कि आप लोग देख सकते हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो माय फ्रेंड्स, हमने ऑयल का मेजरमेंट अच्छी तरह से कर दिया है, अब हम इसका टॉप का नट टाइट करते हैं शॉकअप का, जो कि मस्ट भी इम्पॉर्टेंट है। क्लच मैंने गाइस आप लोगों को फिट करके नहीं दिखाया, कल मैंने उसको रात को ही फिट कर दिया था इसीलिए, ठीक है, बट जो जो पॉसिबल है वो मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ पूरा। सो माय फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो ये कटर मैंने नया लेके आया था कल दुकान पे से, शाहगंज में से लाया था मैं इसको, ठीक है, पर अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम है उसको अपन सोल्यूशन करने वाले, जो कि है वायरिंग का मस्ट भी इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि बहुत से लोगों को बहुत कठिन जाता है, इसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं इसका कैसे सोल्यूशन करूँगा। इसमें प्रॉब्लम क्या था बताओगे, ये जो है इसका लाइट, आगे का हेडलाइट, वो झटका आने पर बंद हो रहा था, चालू हो रहा था, तो उसको अपन देखेंगे कहीं ना कहीं से लूज़ कनेक्शन होगा, या फिर कोई ना कोई टर्मिनल पे कार्बन आ चुका होगा, उसको अपने को सही करना होगा, ठीक है, वह मैं अभी आप लोगों को करके दिखाऊँगा। क्या करना है अपने को, ऐसा मांडी पर ले लेते हैं अपन ऐसा, और उसके बाद क्या है, एक मिनट इसका जो वायर है वो देखो, ये वायर है गाइस, ये वाला, ठीक है, और जो बल्ब है उसको देख लेते हैं अपन, देखो बल्ब कैसा है इसका, इसका बल्ब देखो ऐसा है,
ठीक है। इसको भी देख लेते हैं कहीं ना कहीं से लूज़ है ये, ये जो क्लिप्स है ये लूज है, इनको टाइट करना होगा हमारे को जब सही होगा। एकदम आराम से निकल गई ना हल्के से, इसीलिए ये लूज है तो हमारे को सिर्फ टाइट करना है और कुछ नहीं करना है इसको। बाकी लाइट चालू थे इसके, पन बंद चालू हो रहे थे वो, ठीक है, वो प्रवीण भैया को मालूम होगा। सो माय फ्रेंड्स, 220 का जो हेडलाइट का एक सीक्रेट है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर हमने शॉकर जो है शॉकऑप्स, इसके शॉकऑप्स अगर हमने नहीं खोले तो ये हेडलाइट का जो है ये ऐसा पूरा बाहर नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर देखो इसको नहीं क्या, बीच में एक ऐसा एक्सटेंशन रॉड है जिसकी वजह से शॉकअप के अंदर से होता है गाइस, इसलिए हमारे को पहले शॉकअप नहीं फिट करने पड़ेंगे, पहले हमारे को ये हेडलाइट लगाना होगा और बाद में शॉकअप इसके ऊपर से फिट करने होंगे नीचे से डालकर, ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि जो है इसलिए हम इसको यहाँ पर लगा रहे हैं। सो माय फ्रेंड्स, हमने कम्प्लीट सर्विस कर दी है गाड़ी की, अब हम आप लोगों को ये गाड़ी चालू करके दिखाएंगे जो कि है मस्ट बी इम्पोर्टेंट। और सबसे पहले मैं लेके आता हूँ इसकी चाबी जो मैंने रखी थी यहाँ पर, और ये रही गाइस इसकी चाबी, ठीक है, हाथों में झुर्रियाँ पड़ गई यार मेरे, हो सकता है, और अब चालू करेंगे गाड़ी को जो कि आप लोग देख सकते हो। देखो कुछ भी नहीं करना पड़ता इसको, अभी थोड़ी देर में स्लो हो जाएगी क्योंकि उसको ऑटो चोक आता है गाइस, अभी देखो कितना राइट हो गया, क्योंकि थोड़ी देर के लिए रेस रहता है गाड़ी, क्योंकि इसमें चोक आता है ऑटोमेटिक इसीलिए। बाकी गाड़ी एकदम तगड़क कर दी अपन ने, अभी मैं इसको क्या है क्लीनिंग करके लाऊंगा, बट क्लीनिंग करने का क्या है, बरसात आ रही है फिर भी मुझे इसे क्लीन करना होगा।